स्वागतम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विक्रणा स्टॉक्स विद दिल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे पेनी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो, मार्केट की रिसर्च के ऊपर वीडियो आपको मिलते रहते हैं। टेलीग्राम फॉलो कर लो, लाइव मार्केट अपडेट चाहिए। ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो। इंस्टा में हर संडे जो प्राइवेट क्लास होती है उसके लिंक मैं आपको दे देता हूँ, तो वहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करने वाला हूँ। एक छोटा सा शेयर है, आईटी का पेनी स्टॉक है, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है, और ये बेस्ट है इसको बाय नाउ बन सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी आपको डिविडेंड देने वाली है। उसकी एग्जिट डेट और रिकॉर्ड डेट बता रहा हूँ आपको, तो चाहो तो आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। छोटा सा स्टॉक है, आपको डिविडेंड देती है कंपनी, प्रॉफिटेबल है। राइट, तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ बहुत कम लोगों को शायद पता होगा। नहीं पता स्टॉक का नाम तो अंत तक देखना। कहाँ पर बड़ा पैसा लगाया जा सकता है, कहाँ पर एसएल लगाया जा सकता है, कहाँ पर रिवॉर्ड हो सकता है, मतलब टारगेट कहाँ हो सकता है, सब कुछ जानना है। मेरी एनालिसिस पॉइंट टू पॉइंट होने वाली है। पहली चीज होगी प्राइस एक्शन, फिर होगी प्रॉफिट, फिर होगी शेयरहोल्डिंग पैटर्न, और उसके बाद हम न्यूज़ के ऊपर ही थोड़ा बात कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है सब कुछ पानी पानी है लगातार। ये स्टॉक के बारे में आपका क्वेश्चन आ रहा था। स्टॉक का नाम अलंकित है, ठीक है, और ये स्टॉक आपका एक छोटा सा शेयर है जो आपकी आप देखो एजीएम है और डिविडेंड ये आपको देने वाला है। इसकी एग्जिट 3 अगस्त 2022 है और रिकॉर्ड डेट निकल के आती है देखो ये रही 5 अगस्त 2022, तो 11 अगस्त 2022। तो भाई ये छोटा सा पैनी स्टॉक है अलंकित, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। जब आप क्वेश्चन आते हैं तो भाई मुझे तो देखना पड़ता है ना, क्योंकि देखो मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी है पता है इतनी अच्छी है नहीं अपनी। ठीक है, मैं थोड़ा चीज़ों को भूलना ही पसंद करता हूँ, मतलब अपने जो माइंड को फ्री रखना पसंद करता हूँ। ठीक है, अपना माइंड ओपन है भैया, जो चीज़ें एक बार आती है, जो चीज़ अच्छी लगती है उसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है, अपने इंजन में, बाकी सब चीज़ें फ्लस होकर चले जाती है। राइट, पर अच्छी चीज़ें रखता हूँ, फालतू की चीज़ नहीं रखता। ठीक है, माइंड हमेशा फ्री रखता हूँ कि चीज़ें आ सके, ज्ञान आ सके, अच्छे अच्छे बातें आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टॉक था आपने कमेंट किया, मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। अब मैंने आई थिंक पहले भी इसके वीडियो बनाया था। अब एग्जैक्टली किस प्राइस से बनाया था, क्योंकि मैंने स्टॉक को बाय नहीं किया। मैंने बाय किया था तो मैं बोलता भाई दंगे की चोट पे मैंने बाय किया, मैंने इस प्राइस से बाय किया। लेकिन ध्यान रखना, मैंने अगर बाय नहीं किया तो मैं आपको गलत सजेशन भी नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि भाई मैंने ना देखो यार सिंपल सी बात है, गलत सजेशन अगर देना होता ना तो मैं रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट की हमेशा ना पीपड़ी नहीं बजाता। ठीक है, हमेशा उसी का राग नहीं लापता कि भैया इसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो। ठीक है, जब मुझे पता है कि यार पैनी स्टॉक बिलो 1 रुपी में आपको इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है बहुतों को, ठीक है, तो मैं तब भी मैं आपको बोलता हूँ कि रूल्स को फॉलो करो, क्योंकि उसके रीजन्स है ना कुछ, तभी मैं बोलता हूँ। ठीक है भाई, तो बाकी यहाँ देखो आरओसी 7% है, डिविडेंड 1% का है भाई साहब। ठीक है, कंपनी आपके सामने चले गए तो प्रॉफिट देखो भाई 2022 में मार्च 2022 में लॉस हुआ कम से 4 करोड़, उससे पहले प्रॉफिट था। और ईयरली प्रॉफिट देखो 2 करोड़ का प्रॉफिट, 11 करोड़ का प्रॉफिट, 14 करोड़ का प्रॉफिट, 14 करोड़ का प्रॉफिट, 22 करोड़ का प्रॉफिट। बैलेंस शीट देखो यार, लुक एट द बैलेंस शीट कितनी मजबूत है। राइट, 119 CR का प्रॉफिट मार्च, आई मीन सॉरी रिजर्व। राइट, और डेट देखो 21 करोड़ का। सोचो छोटा सा पैनी स्टॉक है, डेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब डेट मिल रहा है कंपनी को, दैट्स अ बिग थिंग यार। डेट मिल रहा है कंपनी को, कैश तो 15 करोड़ का है। ठीक है, और श्योरिटी पैटर्न देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ डिक्रीज हुई है, 69 71 हुई, 71 से 54 हो गई। अब क्वेश्चन आता है डिक्रीज तो हुई है क्या, ये प्रमोटर्स की होल्डिंग किसने बाय करी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पब्लिक ने तो बाय करी है, लेकिन पब्लिक के अंदर भी दो प्लेयर होते हैं, मैंने बताया ना आपको, बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स, तो बड़े ने करा छोटे ने करा ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या नजर आता है यहाँ पर, देखो ये जो होल्डिंग बाय करी है ये आई थिंक मिली भगत है, मतलब दोनों ने बाय करा, रिटेल ने भी बाय किया और बड़े इंडिविजुअल ने भी बाय किया है। ठीक है, मतलब ठीक है भाई, देखो प्रॉफिट बुकिंग करना ठीक है, ठीक है, इन्होंने छोटा मोटा माल बेचा यार, प्रमोटर्स का हक है यार, वो भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उन्होंने करा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब ये स्टॉक अगर अगले 2-3 क्वार्टर में, अगले 2-3 क्वार्टर में दोबारा होल्डिंग डिक्रीज होती है सिमिलर वे में, तब हमें चिंता करना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको बोला ना प्रॉफिट्स और शेयरहोल्डिंग पैटर्न सेकंड रखो, जितना हो सकता है प्राइस को फॉलो करो। ठीक है, बहुत लोगों को लगेगा सर आप बहुत उलझुली बातें करते हो, प्राइस को क्या कैसे फॉलो करें। देखो तो प्राइस मुझे क्या कह रहा है मैं आपको वो समझाता हूँ, आई नो। ठीक है, तो प्राइस को समझने के लिए मैंने खोला हुआ है मंथली कैंडल, और अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये 17-19 का एक रजिस्टेंस बनता है, जो रजिस्टेंस ब्रेकआउट कर चुका था लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, और ये रजिस्टेंस अब दोबारा से रजिस्टेंस बन चुका है। तो स्टॉक के अपसाइड जो टारगेट रहेंगे 17 रुपये के रहेंगे, अगर जिनको चाहिए सोच रहे कि बड़ा टारगेट आएगा, नहीं आएगा, 17 रुपये के इमीडिएट टारगेट रहेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन एरिया है। अब क्वेश्चन आता है सर मेरे तो जो कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रमोटर माल बेच रहे मैं क्या करूँ, तो
बहुत सिंपल है भैया, वी हैव अ स्टॉप लॉस। देखो मेरे पास दो स्टॉप लॉस निकल के आ रहे हैं प्राइस को देखते हुए। 8 रुपए का लगाओ लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस, 8 रुपए का लगाओ लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस अगर आप बाय कर रहे हो, ठीक है। इनकेस बाय कर लिया, प्राइस बताऊंगा कहाँ बाय करना है अभी, ठीक है। 8 रुपए का लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस। शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगाओ, दिस इज योर शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस, जो लास्ट स्विंग बना है वो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस रहेगा। अभी ये क्यों मैंने बोला है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्यारा सा इंसाइड बाय कैंडल बना है, तो जब भी इंसाइड बाय कैंडल बनता है वो एक साइन होता है रिवर्सल का, वो रिवर्सल नीचे की तरफ ऊपर की तरफ दोनों की तरफ होता है। तो यहाँ अगर इसका लो टूटेगा तो ये रिवर्स नीचे की तरफ गड्ढे में घुस जाएगा, अगर ऊपर तोड़ेगा तो ये ऊपर की तरफ घुस जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 पॉइंट आपको होके एनालिसिस नहीं करनी है, ठीक है। आपको 2 पॉइंट होके देखना कि भैया बाय और सेलर है, बाय और सेलर है, तो आपको दोनों तरफ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ आ गया, लॉन्ग टर्म सोपर्स ये रहेगा, शॉर्ट टर्म सोपर्स ये रहेगा। अब आता क्वेश्चन कि बाय प्राइस क्या अभी सही रहेगा बाय करना, तो देखो प्राइस सस्ता है, सच बताऊँ तो प्राइस सस्ता है, नो डाउट प्राइस सस्ता है, लेकिन भाई मेरा ना अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि स्टॉक ना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि श्योरिटी पैटर्न प्रमोटर ने माल बेचा है, और चार्ट का पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। सिर्फ अगर आप डिविडेंड के लिए पैसा लगा रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। अगर आपको बाय करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन 8 रुपये का शॉर्ट पक्का लगाना, और बाय का अगर एक पॉइंट चाहिए जिनको मतलब एवरेज करना है, 8 रुपये का ऐसा लगा रहा लगा रहा है तो 10 रुपये में एवरेज कर लेना, तो आपका कॉस्ट वो नीचे आ जाएगी, तो 8 रुपये का मात्र 2 रुपये का लॉस आपका होगा। बाकी शॉर्ट टर्म सपोज यही रहने वाला है, ये तो चेंज नहीं होने वाला भाई, ठीक है। समाप्त करता हूँ वीडियो को, जो चीज़ आपको बताइए उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोज़ में।